नरमपेट परिसर के नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में सवेरे से ही मतदाताओं की भीड़ देखी गई है। इस वक्त उम्रदराज लोग भी मतदान केंद्रों पर नजर आए। इस वक्त 96 वर्षीय लक्ष्मी लोहकरे और 90 वर्षीय शीला अग्निहोत्री ने मतदान किया। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के धर्मपेट परिसर में सवेरे से ही लोग मतदान केंद्रों पर मतदान करते हुए नजर आए। बुजुर्ग, युवक, महिलाएं खास तौर पर मतदान केंद्रों पर दिखे। इस वक्त सभी ने लाइन में लगकर मतदान किया। बुजुर्ग महिला 96 वर्षीय लक्ष्मी लोहकरे और 90 वर्षीय शीला अग्निहोत्री ने मतदान किया। इस वक्त एनबीसीएन की टीम ने लोगों से बात की है, देखते हैं क्या है कहना। हम फिलहाल है धर्मपेट के मनपा स्कूल में, जहां पर सवेरे से ही जो है मतदान के लिए भीड़ देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या बताएंगे आप, सवेरे से ही मतदान शुरू है? मैं सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा कि बेटर डेवलपमेंट के लिए सब वोट करने आए। भले ही गर्मी जरूर है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि बुजुर्ग लोग जो अबव 70-80 है, वो खुद से आकर के वॉलंटियर करके यहाँ पर वोट कर रहे हैं। देयरफॉर आई विल अपील टू ऑल कि सब लोग यहाँ पर आके अच्छे डेवलपमेंट के लिए आके वोट करें। महिला की भी भीड़ देखी जा रही है सवेरे से, क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं ने भी, महिला काफी जो है घर के काम में व्यस्त रहती है, वोटिंग नहीं कर पाती, क्या कहेंगे? मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि उन्होंने आके वोट करना चाहिए, क्योंकि जैसे काम तो चलते ही रहते लेकिन ये हमारी अच्छाई के लिए है, हमारे डेवलपमेंट के लिए है। जो वोटिंग होता है हम किसी को चुन के देते, तो मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि आप आइए और वोट करिए, टाइम निकालिए, क्योंकि वही नहीं तो काफी सारे जो है मतलब जो अबाउ 70-80 वो लोग भी खुद से आके वोट करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगी कि आप भी आइए और वोट करिए। आने वाली सरकार से आप क्या अपेक्षा रखती है कि कैसी सरकार होनी चाहिए और क्या काम करना चाहिए? मेन तो डेवलपमेंट के बारे में, मतलब मैं बोलना चाहूँ कि डेवलपमेंट वो हो रहा है, बट और अच्छा डेवलपमेंट हो, उनसे बस यही एक्सपेक्ट है। नागपुर की गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है, फिर भी लोग आ रहे हैं मतदान पर, उनके लिए क्या कहना चाहिए? वो एक फिर भी आ रहे हैं लोग गर्मी, इतनी गर्मी में भी, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि उनको मतलब अच्छा ही है अगर वो आ रहे इतनी गर्मी में भी आ रहे हैं तो। बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी जो है लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों की भीड़ है और जो अभी फिलहाल मतदान करने के लिए आ रहे हैं धर्मपेट में है। सवेरे में ही से ही जो है नागपुर में सभी ने मतदान किया है, सभी राजनीतिक नेताओं ने मतदान किया है। यही इसी मतदान पर केंद्र पर जो है देवेंद्र फडणवीस का भी मतदान हुआ और इसी तरह से जो है लगातार भीड़ अपना मतदान का फल निभा रही है। केंद्र पर भारत के साथ में प्रकाश कुंडला, NBCN नागपुर।